लास्ट ऑफ अस रीमेक द मोस्ट अननेसेसरी रीमेक एवर। हेलो एंड वेलकम चेयर्स एंड स्टेसीज, दिस इज हैशटैग गेमिंग एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट लास्ट ऑफ अस रीमेक एंड उसको लेके जो भी कंट्रोवर्सी हुई है। आई स्ट्रीम एवरी डे एंड जब से लास्ट ऑफ अस का रीमेक अनाउंस हुआ था या र्यूमर्स आ रहे थे तब से मुझे रेगुलर लोगों के कॉमेंट्स आते रहे हैं कि लास्ट ऑफ अस रीमेक इज अननेसेसरी एंड आई एग्री विद दैट। बट द थिंग इज आई वॉन्टेड टू लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। लाइक हर बंदा बोल रहा है ये अननेसेसरी है, वर्थ इट नहीं है, बट कुछ तो अच्छाई होगी ना इसमें भी। इन सर्च ऑफ फाइंडिंग दैट अच्छाई आई फाउंड अ वेरी गुड रीजन वाई लास्ट ऑफ अस रीमेक इज नॉट दैट अननेसेसरी जितना हम उसे सोच रहे हैं। एंड इंस्टेड इट माइट बी अ गुड रीमेक जो कि जरूरत थी जिसकी हमें। देखो क्या है कि लास्ट ऑफ अस एक ऐसी गेम है जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स एवर में से एक है। इसके ऊपर मैंने आधा घंटा बात की है, वीडियो रिव्यूज़ बनाए हैं, बहुत कुछ किया है। एंड लास्ट ऑफ अस टू ने इन माई ओपिनियन लास्ट ऑफ अस वन की जो लेगेसी थी थोड़ी थोड़ी ख़राब कर दी थी, मेरे हिसाब से, कईयों के हिसाब से बेटर कर दी होगी, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बट इशू ये था कि लास्ट ऑफ अस इतनी ज़्यादा अच्छी गेम थी कि उसको यार खेलना डिजर्व करता है हर बंदा। लाइक जो भी गेम खेल सकता है उसके लिए ये गेम एक अलसे नेसेसरी है टू अंडरस्टैंड हाउ गुड वीडियो गेम्स वर्क एज एन आर्ट। लाइक वीडियो गेम्स को एज अ आर्ट कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एंड आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल वे टू प्ले लास्ट ऑफ अस ऑन पीसी। लाइक PS3 एमुलेटर से लास्ट ऑफ अस पीसी पर अच्छे से नहीं चलती है। हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि लास्ट ऑफ अस का रीमेक बन रहा है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि लास्ट ऑफ अस का रीमेक जो है वो पीसी पर आने वाला है। एंड दिस इज़ अ प्रीटी बिग डील फॉर मी एंड फॉर मैनी ऑफ द पीपल आउट हेयर। लाइक इमेजिन मेरे पास PS4 नहीं होता, मैं लास्ट ऑफ अस कभी खेल नहीं पाता, मुझे पता ही नहीं होता वो कितनी ब्रिलियंट गेम है। द थिंग इज लास्ट ऑफ अस रीमेक वॉज डेवलप्ड सोलली फॉर द पर्पस कि वो पीसी पर खेली जा सके। PS3 की कोई भी गेम जो PS3 से पीसी पर पोर्ट नहीं की जा सकती है। इवन PS3 से PS4 पर पोर्ट करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्योंकि वो सेल आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है। तो होता क्या है कि PS3 का जो आर्किटेक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है येट इतना पावरफुल है कि उससे किसी भी गेम को पोर्ट करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, इम्पॉसिबल रख लो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह इशू। तो जो भी गेम वहाँ से पोर्ट करनी है उसको बेसिकली ग्राउंड से दोबारा से डेवलप करना पड़ता है, एक एक चीज़ को दोबारा डालना पड़ता है, बेसिकली पूरी गेम दोबारा से बनानी पड़ती है। एंड यही हुआ है जो लास्ट ऑफ अस का रीमास्टर था PS4 पे, दैट वाज नथिंग बट अ रीमेक, अ काइंड ऑफ रीमेक जो कि सेम ग्राफिक्स के साथ थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में लॉन्च हुआ था। बट अब इसे लॉन्च किया जा रहा है PC पर। एंड बेसिकली नॉटी डॉग्स ने किया क्या है कि PC पर लास्ट ऑफ अस को लॉन्च करने के लिए इन्होंने उसे रीमेक करने की सोचा है। इमेजिन आपको कोई गेम अभी PC पर दी जाए एंड वो 2013 की दी जाए, या फिर आपको ऑप्शन दिया जाए कि हम उसको रीमेक करके देते हैं, तो आप क्या प्रेफर करोगे? मैं अपना बताऊँ, मैं तो हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि मुझे एक सिर्फ रीमास्टर्ड वर्जन ना मिले, एक रीमेक मिले। लाइक अगर गॉड ऑफ वॉर 3 आज PC पर लॉन्च होने को आती है, विल आई बी हैप्पी गॉड ऑफ वॉर 3 PC पर आ रही है? यस। बट क्या मैं और ज़्यादा हैप्पी हूँ अगर गॉड ऑफ वॉर 3 का रीमेक PC पर आ रहा है? डेफिनेटली। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये गेम है लास्ट ऑफ अस, इसका PC पर आना बहुत ज़रूरी था एंड रीमेक भी इसलिए ज़रूरी था। और बात क्या कि गॉड ऑफ वॉर, गोस्ट ऑफ शिमा, स्पाइडरमैन, ये गेम्स PS4 से PC पर आ जाएँ, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील क्योंकि ये नेक्स्ट जन गेम्स ऑलरेडी हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड लास्ट ऑफ अस जो थी वो PS3 की गेम थी एंड सेल आर्किटेक्चर पर बेस्ड थी, इस वजह से लास्ट जन की गेम थी। लाइक इट मे लुक गुड टू इवन टूडे बट स्टिल ये एक लास्ट जन गेम है एंड ये एज हो चुकी है। अगर आप कंपेरिजन देख रहे हो रीमेक के साथ, यू विल सी डे नाइट डिफरेंस कि किस तरह लास्ट ऑफ अस जो है वो एज हो चुकी ग्राफिक्स के मामले में। अब अगर 2013 की किसी एज्ड गेम को, लास्ट जन की गेम को, ये PC पर सेल करें तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी वर्थ इट। इसलिए इन्होंने इस गेम को रीमेक करने का सोचा कि दोबारा से ग्राउंड से शुरुआत करो, क्योंकि ऐसे भी करनी पड़नी है, दोबारा से करो, PC वालों को ऑप्शन दो खेलने का। अब उनको 2013 की लास्ट जन की गेम तो नहीं दे सकते ना, अब तो वो टाइम बीत गया। अगर चलो PS4 पर लॉन्च हुई होती, PS4 के लिए ही बनी होती ये गेम, तो था कि डायरेक्ट लॉन्च कर दी PC पर, जैसे कि बाकी गेम्स होती आ रही हैं। बट क्योंकि ये लास्ट जन की गेम है इसलिए इसको PC पर लॉन्च करना विदाउट अ रीमेक वुड हैव फेल्ट लेजी, लाइक ये रॉकस्टार के रीमास्टर बराबर हो जाता जो भी GTA के आए थे। इसलिए आई थिंक नॉटी डॉग्स का ये अच्छा डिसीजन था टू लॉन्च इट ऑन PC एज अ रीमेक। बट इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि हम PC वाले पे परस्पेक्टिव नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ डाल रहे हैं परस्पेक्टिव कि यार ये गेम तो PS4 पे है, PS5 पे है, तो इसका रीमेक की क्या जरूरत है।
हाँ, अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि ये सिर्फ PS5 पे लॉन्च हो रही है, सिर्फ PS4 पे, तब आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ये अननेसेसरी है। एंड आई एग्री, इस गेम को रीमेक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ये बहुत अच्छी थी ऑलरेडी रीमास्टर के रूप में भी PS4 और PS5 पे। बट रीमेक जो है ये सिर्फ PC के लिए बना है। एंड ये अगर PC पे बना रहे हैं तो दे हैव जस्ट थॉट कि क्यों ना PS5 वालों को भी ऑप्शन दें। अब इमेजिन सिर्फ PC पे रीमेक लॉन्च होता, दैट वुड हैव हर्ट एवरी सिंगल PS5 ओनर की हमें क्यों नहीं मिला ये रीमेक। PS4 वाले ओनर्स को भी गुस्सा आता कि हमें क्यों नहीं मिला रीमेक। इसीलिए उन्होंने जो PS3 वाला रीमेक गेम का जो रीमेक है PC पे बनाया, एंड साथ में वो PS4 एंड PS5 दोनों को दे रहे हैं एज एन ऑप्शन। यू आर नॉट फोर्स टू प्ले दिस गेम। लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहा जा रहा है कि ओरिजिनल जो लास्ट ऑफ अस है वो आपकी लाइब्रेरी से हटा दी जाएगी या वो परचेजेबल नहीं रहेगी। नो, यू कैन प्ले दैट इफ़ यू वॉन्ट। ये सिर्फ PC वालों के लिए बनी है, बट आपको ऑप्शन दिया जा रहा है साथ में कि आपको अगर लेनी हो आप ले सकते हो। और अगर कोई न्यू प्लेयर है जो लास्ट ऑफ अस 1 से शुरुआत करना चाहता है, उसको भी फ्यूचर में ऑप्शन मिलेगा कि उसको लास्ट ऑफ अस का रीमास्टर लेना है PS4 PS5 पे, या लास्ट ऑफ अस का रीमेक लेना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ माई डाउट्स दैट आई हैव। वन ऑफ द बिगेस्ट डाउट्स जो कि मेरा है, वो मुझे शक भी करवा रहा है थोड़ा कि मे भी मेरी थ्योरी गलत हो ये PC वाली। एंड द सिंपल रीज़न ये गेम PS4 PS5 एंड PC पर रीमेक हो रही है इज बिकॉज ये लास्ट ऑफ अस 2 को कैनन बनाना चाहते हैं। लाइक लास्ट ऑफ अस 2 में कई सारे ऐसे डिसीजन थे जो कि समझ नहीं आ रहे थे, जैसे कि जोएल का पर्सनैलिटी शिफ्ट होना, एक रैंडम डॉक्टर का पेयर होना, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अगर आपने लास्ट ऑफ अस 2 खेली आपको पता होगा जोएल जो लास्ट ऑफ अस 2 में था वो लास्ट ऑफ अस 1 में नहीं था। लास्ट ऑफ अस 1 में जोएल वॉज समथिंग एल्स, अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, अ वेल रिटन कैरेक्टर। लास्ट ऑफ अस 2 में ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ कैरेक्टर। आई हैव अ डाउट कि मे बी ये रीमेक सिर्फ इसलिए बन रहा था कि ये लास्ट ऑफ अस 1 में ही रीमेक में जोएल को वैसा वैसा बता दें जैसा वो लास्ट ऑफ अस 2 में था। विल आई हेट दैट? डेफिनेटली आई हेट दैट। आई वुड नॉट लाइक दैट एट ऑल। अगर ऐसा कुछ हुआ आई विल नेवर कंसिडर लास्ट ऑफ अस रीमेक एज द एक्चुअल लास्ट ऑफ अस गेम। मैं रीमास्टर को ही ओरिजिनल गेम समझूंगा। एंड एक और रीज़न ये हो सकती है कि रीमेक लॉन्च हो रहा है, वो है लास्ट ऑफ अस की वेब सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है लास्ट ऑफ अस की वेब सीरीज़ वो एडिटिंग वाले प्रोसीजर में पहुंच चुकी है, उसका शूट जो है कम्प्लीटली डन हो चुका है। एंड अब होता क्या है कि अगर कोई वेब सीरीज़ लॉन्च हो रही हो किसी गेम के ऊपर, तो उस गेम का मासिस तक पहुंचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब अनचार्टेड की मूवी लॉन्च हुई ना, तो इन्होंने साथ में अनचार्टेड की नेथन ड्रेक कलेक्शन भी PC पे लॉन्च किया। अनचार्टेड 4 एंड लॉस्ट लेगेसी वाला जो वर्जन है वो PC पर भी लॉन्च होने वाला है एक मंथ के अंदर अंदर, सिर्फ इसलिए ताकि जो जिन्होंने मूवी देखी है उन लोगों को ये गेम भी खेलने को मिले। क्योंकि गेम्स पर बेस्ड मूवीज़ हैं ना कि मूवीज़ पर बेस्ड गेम्स हैं। एंड ये ज़रूरी होता है कि वो सोर्स मटेरियल को भी जान पाएँ। एंड इमेजिन लास्ट ऑफ अस अगर रीमेक लॉन्च हो, उसको अच्छा अच्छा रिव्यूज़ मिले, जो कि मिलेंगे 100% अगर ये एक्चुअल गेम को रीमेक कर रहे हैं और कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं। तो मान लो अच्छे रिव्यू मिलते हैं और गेम की हाइप बहुत ज़्यादा हो जाती है, साथ में वेब सीरीज़ लॉन्च होती है, वुडन दैट बी अमेजिंग कि लोग PC पर गेम खेल रहे हैं साथ में वेब सीरीज़ देख रहे हैं। दिस विल हेल्प जनरेट रेवेन्यू एंड गिव अ गुड नेम टू लास्ट ऑफ अस फ्रेंचाइज। सो यस, इज लास्ट ऑफ अस रीमेक अननेसेसरी? यस, अगर आप सिर्फ PS5 या PS4 के परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो हाँ यार, इससे ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ कोई नहीं है। लाइक इमेजिन गॉड ऑफ वॉर 2018 को ये 2025 में रीमेक कर दें। अब 2025 सुनने में बहुत दूर लग रहा है, पर द फैक्ट इज 2022 ख़त्म होने वाला है, 2 साल में 2025 आ जाएगा। तो इमेजिन 2 साल बाद गॉड ऑफ वॉर 2018 को रीमेक करें, वुडन दैट बी वेयर्ड अननेसेसरी? स्पाइडरमैन को रीमेक कर दें, होगा ना? हाँ, पर आई थिंक द रीज़न इज दिस कि PS4 और PS5 में इतना जनरेशन गैप नहीं है जितना PS3 एंड PS4 में था, इसलिए PC पे लॉन्च करते वक्त रीमेक कर रहे थे, साथ में PS5 PS4 पे लॉन्च कर रहे हैं एज एन ऑप्शन। यू आर नॉट फोर्स टू प्ले दिस गेम। सो आई डोंट थिंक वी शुड हेट दिस गेम, एटलीस्ट इस गेम को लॉन्च होने दो। रही बात प्राइजिंग की, दिस इज़ द न्यू एरा ऑफ गेमिंग। इस एरा में 5,000 $70 ही प्राइज रहने वाला। यू कॉन्ट डू एनीथिंग फॉर दैट। मे बी ट्राई गेम पास, बट सोनी तो अब इतना ही रेट रखने वाला है क्योंकि गेम्स में उनकी प्रॉफिट नहीं है इतना जितना वो चाहते हैं। वो ना ही माइक्रो ट्रांजेक्शन देते हैं, ना कोई फालतू मल्टीप्लेयर मोड्स देते हैं। दे सिंपली डिलीवर एक्सीलेंट सिंगल प्लेयर नैरेटिव्स, एंड उसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है आज के स्पेस एंड टाइम में, इसलिए गेम को महंगा रखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ PS5 PS4 के परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो ज़रूर आपको लग रही होगी अननेसेसरी, बट आपको मैं अर्ज करता हूँ कि आप PC वालों की तरफ से भी देखो एंड वेब सीरीज़ वाले परस्पेक्टिव से भी देखो। एंड मे बी दिमाग में थोड़ा सा डाउट भी रख लो कि हो सकता है ये लास्ट ऑफ अस 1 का रीमेक इसलिए हो रहा है ताकि लास्ट ऑफ अस 2 को थोड़ा और
कैनन दिखाया जा सके। सो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन लास्ट ऑफ अस रीमेक, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू स्वीट।